नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप BNMU मंडल यूनिवर्सिटी से BA पार्ट 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था तो आपका तीसरा चयन लिस्ट में भी नाम नहीं आया और ना ही अभी तक आपका एडमिशन हो पाया है, तो किस तरह आप एडमिशन ले पाएंगे, आज की इस वीडियो में पूरी एक्सपीरियंस के साथ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना होगा। तो चलिए आज जानते हैं क्या नोटिफिकेशन BNMU की तरफ से जारी किया गया। तो उसके लिए BNMU की इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो जैसे इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको दो नोटिस मिल जाते हैं जो 24 जुलाई को अपलोड हुआ है, दो नोटिस। ठीक है, पहली नोटिस पे क्लिक करते हैं और इस नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं। सेकेंड को भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसे हम ओपन करते हैं, नोटिस में क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया, देख लीजिए, निर्देश अनुसार सूचित करना है UMIS द्वारा संचालित नामांकन की मॉनिटरिंग हेतु गठित समिति की बैठक के लिए। मतलब इसमें बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए सही ये देखिए निर्देश अनुसार ये भी सूचित किया जा रहा है कि पूर्व के नामांकित छात्र स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और विशेष निबंध छात्रों को 26 जुलाई से 28 जुलाई 2019 तक 26 जुलाई से 28 जुलाई 2019 तक अपने नामांकन हेतु बिना किसी शुल्क के महाविद्यालय एवं विषय में बदलाव करने का अवसर दिया गया है। मतलब आप अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है किसी भी कॉलेज में तो आप 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक बिना किसी चार्ज के अपने कॉलेज का नाम बदल सकते हैं और विषय बदल सकते हो। उसके बाद 30 जुलाई को मेगा सूची प्रकाशित किया जाएगा। 28 जुलाई तक आप अपडेट कर लीजिए अपने कॉलेज विषय को, उसके बाद 30 जुलाई को मेगा सूची प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद 31 जुलाई से 3 अगस्त तक मेघा में आए विद्यार्थी के ऑफर लेटर के आधार पर नामांकन को अंतिम अवसर दिया जाएगा। 3 अगस्त 2019 के बाद नामांकन प्रक्रिया को पूर्णतः बंद कर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहाँ पे दिया गया है जिसका अभी तक नामांकन नहीं हुआ है तो 26 से 28 जुलाई तक वो ऑनलाइन पोर्टल पे अपने कॉलेज विषय को बदलाव कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। जब वो बदलाव कर देंगे तो उसके बाद 30 जुलाई को मेगा सूची जारी किया जाएगा। उसके बाद 31 से लेकर 3 अगस्त तक मेगा सूची में आए जिसका मेगा सूची में नाम आएगा उसको ऑफर लेटर के आधार पर नामांकन को अंतिम अवसर दिया जाएगा। इस बार अंतिम दिया गया है एडमिशन के, इसके बाद कोई भी एडमिशन वगैरह नहीं होगा। अगर इस बार आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो आप अगले साल दीजिएगा। यहाँ पे नामांकन को पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा, ठीक है, ये पूरी दिएगा। और दूसरी नोटिफिकेशन जो जारी की गई वो भी हम बता देते हैं आपको। ये फर्स्ट नोटिफिकेशन हो गई और दूसरी नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको ये PDF में मिल रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे भी वही दिया है, यानी कि उस पोर्टल को ऑनलाइन अपडेट कर उसको खोलने के संबंध में दिया गया है, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, आदि सभी विद्यालयों को अपडेट करने हेतु सूचित किया जाए, विद्यालय को ये निर्देश दिया गया है। तो आप सिंपली समझ गए 26 से 28 तारीख तक में आप अपना कॉलेज या अपने विषय को आप चेंज कर सकते। विषय चेंज करने के लिए किस तरह, और कॉलेज चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना होगा। पैन कार्ड बना दीजिएगा। लॉगिन जब हो जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कि मैरिट लिस्ट स्टेटस चेक करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे देखिए, इस स्टूडेंट का किसी भी कॉलेज में नहीं आया है तो उसके बाद क्या करना है, किसे सब्जेक्ट चेंज करेंगे, कॉलेज चेंज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट एंड कॉलेज सेक्शन पे सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट एंड कॉलेज सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरह का टैब खुलेगा, यहाँ पे डिग्री खुलेगा, ये डिग्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिग्री खुल जाएगा, ये 26 तारीख से खुलेगा यानी कि कल से, आज 25 तारीख है, तो उसके बाद ये डिग्री सेलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट जो भी रखना चाहिए तो वो सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा, जो कॉलेज आप बढ़ाना चाहते हैं वो 5 पहले से और ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं, उसके बाद सेव कर देंगे। तो अगर आप हॉनर्स बदलेंगे तो यहाँ पे 200 रुपया और एक्स्ट्रा आपको जुड़ जाएगा, तो वो 200 रुपया आपको पेमेंट करना होगा अगर आप हॉनर्स बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी गया नोटिफिकेशन में ऑनर्स बदलने में 200 रुपये चार्ज लगेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको इस नोट, देखिए इस नोटिफिकेशन में दिया गया है, जिसका चयन महाविद्यालय के दौर नहीं प्राप्त हो, जिसका चयन नहीं हुआ तो छात्र अपने विषय और महाविद्यालय का चुनाव कर, लेकिन इसके लिए प्रति विषय 200 रुपये का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। ये पहले के जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो उस पर दिया गया था, पहले जो जारी किया गया नोटिफिकेशन उस पर दिया गया था सब्जेक्ट बदलने पे तो 200 रुपये चार्ज देना होगा। तो इसी तरह आप भी कर पाएंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।